हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ है वो है वेजिटेबल सूप। उसके लिए आप कोई भी वेजिटेबल्स अपनी जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ कॉलीफ्लावर, टोमेटोज एंड 2-3 कैरेट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे बीन्स, कैप्सिकम, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वेट लॉस, अगर आप वेट लॉस के ट्राई कर रहे हैं तो आप ये सूप ज़रूर बनाइए, और रात को अगर आप स्किप अपना फूड स्किप कर रहे हैं तो उसकी जगह आप ये सूप ले सकते हैं। ये सूप वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं अजवाइन, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, छोटी कटी बारीक कटी हुई कैप्सिकम, गार्लिक 1 या 2 क्लॉव्स बिल्कुल बारीक कटे हुए, जिंजर 1 इंच, और ये सारी सब्जियां मैंने बॉयल ली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब्जियां बॉयल की हुई हैं। आप इसको या तो स्टीम कर सकते हैं कुकर में, आप या तो इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं। मैंने इसको माइक्रोवेव किया हुआ है 10 मिनट के लिए। और अब और 1 चम्मच चाहिए हमें घी का। अभी सबसे पहले हम और एक कढ़ाई चाहिए जो मैंने ऑलरेडी गैस के ऊपर रखी हुई है। सबसे पहले हम इन सारी सब्जियों को हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डालकर, और जो इनका वाटर है वो हमने फेंकना नहीं है। यही पानी हम बाद में इसको बिल्कुल थिन करने के लिए यूज़ कर लेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने सारी सब्जियां ब्लेंडर में डाल ली हैं। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसका मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है सारी सब्जियों का, जो जो मैंने बॉईल की हुई थी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अपनी गैस ऑन की हुई है इस कढ़ाई में, इसको गर्म किया हुआ है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी का डालूंगी। देखिए, अब मैं इसमें 1 चम्मच घी का डाल रही हूँ। जब घी गर्म हो जाए तो आप गैस को बिल्कुल मध्यम कर लीजिए। अब ये घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें गार्लिक डालूंगी। फिर इसमें मैं जिंजर डाल दूंगी और अजवाइन, धनिया पाउडर और ये छोटी सी बारीक कटी हुई कैप्सिकम भी डाल दूंगी इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, चला लूंगी। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम है तो आप इसमें बारीक कटे हुए मशरूम या पनीर जो भी आपके पास पड़ा हुआ है वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मध्यम आंच पे पकाएंगे। अब देख सकते हैं कि जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये ग्राइंडेड वेजिटेबल्स डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे, और इसमें हम फिर बाद में ये वाटर डाल देंगे। 1-2 मिनट ये सब्जियां ऐसे ही चलाने के बाद हम इसमें वाटर डाल देंगे। अभी लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये जो बचा हुआ वाटर था वेजिटेबल्स को जो हमने बॉईल किया था उसका जो बचा हुआ वाटर था वो और एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देंगे। आप इसमें आप वाटर अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जितना थिक आप सूप लेना चाहते हैं, और इसमें आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेंगे। इसको हल्के हल्के हाथों से आप घुमाएंगे, गैस को बिल्कुल फुल कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। आप अगर बहुत खट्टा खट्टा यूज टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें लेमन डाल सकते हैं, या तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी वेट लॉस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी मैं इसमें लेमन यूज़ कर रही हूँ। जब इसमें 1 या 2 बॉईल आ जाएं तो आप इसमें लेमन ऐड कर दीजिए, और अगर आप बहुत ही तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉईल आ गया है और ये ऐसा बन चुका है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है और आप देख सकते हैं कि ना तो मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च यूज़ किया हुआ है इसको थिकन करने के लिए, वेजिटेबल्स का स्टॉक ही इसके लिए इनफ होता है इसको थिकन करने के लिए। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, रात का खाना स्किप कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह ये सूप ले सकते हैं। ये फुल ऑफ प्रोटीन्स और मिनरल्स और जो भी हमारे लिए विटामिन सी होते हैं उन सब से भरपूर है। अब इसमें मैं थोड़ा लेमन डाल दूंगी, इस लेमन के मैंने बीज निकाले हुए हैं इसको खट्टा करने के लिए। थोड़ा मैं इसमें ऐसे लेमन डाल दूंगी। आप इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगभग मैंने एक दो बॉईल देने हैं, उसके बाद मैंने गैस बंद कर देनी है। सूप बन के अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमारा सूप बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे गार्निश करूंगी कोरिएंडर लीव्स के साथ और इसे बिल्कुल गरम गरम सर्व करूंगी। इसमें आप चाहें तो और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं, उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। और आप इस हॉट और स्पाइसी सूप को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।